हाय गाइस, आज मैं V3S मॉल में हूँ और मैं इंटरव्यू कर रही हूँ XT बॉक्स थिएटर के ऑनर एंड पार्टनर्स का। तो आप मुझे बताइए, यहाँ के मतलब जो भी ब्रांड्स हैं, लिबर्टी और टाइटन, जितने भी स्टोर्स हैं, न्यू यू और लोरियल और जितने भी तरह के वो स्टोर्स हैं, तो उनका बिजनेस कैसा चल रहा है और मतलब नॉर्मली कितने कस्टमर्स आते हैं? मैम, जैसे आपको पता है लास्ट है एंड मंथ का, हाँ 30 मार्च, और फिर इस कोविड की वजह से भी लोग घर से कम निकल रहे हैं, इसी वजह से फिर थोड़ी गर्मी भी बहुत है। आप देख रहे हैं कि मॉल में एसी भी चालू नहीं है। हाँ। ये ऊपर से परमिशन है कि मॉल में एसी वगैरह चालू नहीं करना है, ठीक है, तो इसी वजह से क्राउड बहुत कम है। तो मतलब एसी बंद करवाने का क्या रीज़न है? एसी बंद करवाने का ये रीज़न है कि उनको ये लग रहा है कि खांसी वगैरह होती है, कोल्ड वगैरह होता है, तो इसी वजह से उन्होंने एसी बंद करा रखा है। और अगर दूसरे मॉल में जाएंगे आप तो वहाँ पर ज़्यादा क्राउड है, तो इस वजह से उन्होंने 15-20 डिग्री चालू करा रखा है एसी। और मतलब तो नॉर्मली हर रोज ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं इनमें कितने कस्टमर्स आते हैं? इसमें मैम, जैसे आप लुक्स देख रहे हैं सामने, हाँ, इसमें जो है अभी आपको कस्टमर नहीं दिख रहे। और हमारा मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड में बस लोग खाने पीने आ रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर हैं। अभी आप सेकंड फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ। देखिए यहाँ पर कुछ बहुत कम लोग दिख रहे हैं जो अपने सिर्फ काम से घूम आए हैं, मतलब ये नहीं कि फैमिली को लेकर आए, एंजॉयमेंट के लिए लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं, बस यही है, नॉर्मली कस्टमर आ रहे हैं। और आपका जो XD बॉक्स थिएटर है? हमारा जो XD बॉक्स थिएटर है ये अभी अभी हमारा हाल ही में ओपन हुआ है, और सबसे अच्छा मतलब एंजॉयमेंट का है, मूवी दिखाई जाती हैं और इसमें सारी चीज है। और हमारा भी बिजनेस थोड़ा डाउन ही चल रहा है। तो नॉर्मली आपके यहाँ मतलब पूरे दिन कितने, नॉर्मली मतलब एवरेज में मैम 70 या 50? यस, व्हाट इज योर नेम? मायसेल्फ इमरान खान। ओके, सो प्लीज लेट अस नो अबाउट, सम टाइम इज देयर very many many people, so it's crowds is here, but after the COVID-19 that see front of you, what's up now? So I can explain that now their side is very very lose the business, really, so that I'm saying that, and their side is enjoyment and the shoppings, just like brands is many here also. But I can explain that the after COVID-19 the peoples of marketing, यहाँ अब वो चीज नहीं है जो पहले थी, जो हमने देखा, जो बिजनेस था, अब बहुत फर्क पड़ गया बिजनेस पे, लोगों पे भी। दिस इज ऑल्सो रिएक्शन ऑफ द पीपल्स एवरीवन, एंड बस अब कोशिश में लगे हुए हैं लोग बाग के किसी तरह जुड़ के और साथ में काम करके अब करते रहे। जैसे दहशत तो अब भी फैली, जैसे अभी आप देख रहे हैं, हाँ, स्कैरी हाउस, हाँ, इतना क्रेज है इसका, छोटे से लेके बच्चे से लेके बड़े तक बहुत क्रेज है, और हमारा भी XD बॉक्स का भी बहुत क्रेज है। अभी यहाँ पर एक भी बंदा नहीं दिख रहा आपको, तो ये थोड़ा सा लोगों के मन में और दिल में, दिमाग में थोड़ा सा कोविड का भी वहम है, और वहम का बीमारी भी है ये, इसी वजह से थोड़ा हल्का है बिल्कुल। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, 80 स्टोर तो होंगे ना? जी, 80 से ज्यादा स्टोर। 80 स्टोर में मैं हर एक सिंगल स्टोर में गई और मैंने देखा कि कुछ में सिर्फ 2-3 क्या कहते हैं कस्टमर थे, और कुछ में तो बस 4-5 कस्टमर्स थे। और सबसे ज्यादा अच्छी बात थी कि जो फूड स्टोर में गई थी, एक डिलीशियस करके था, उसमें आई रियली लिटरली काउंटेड कस्टमर्स, मोर देन लाइक 75 कस्टमर्स थे वहाँ पे। और एक जगह था जो मेकअप का, हेयर सैलून का था, योर स्ट्रेटनिंग हेयर एंड ऑल, तो उसमें मतलब 5 सीट बुक थे और 5 कस्टमर्स का ही स्पेस था। और लाइक तो मुझे लगता है कि मेकअप में मतलब अच्छा बिजनेस चल रहा है, मेकअप लाइक इन द सेंस सैलून में। और अगर आप जाएंगे क्या कहते हैं मेकअप एक्सेसरी खरीदने, तो उसमें भी इतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा है। और क्लोथिंग में आई थिंक मैक्स में बहुत क्राउड है, आई लिटरली काउंटेड 60 कस्टमर्स वर देयर। और आपको कुछ लगता है, आपको लगता है कि मैं नंबर्स जो बता रही हूँ वो मतलब गलत बता रही हूँ या फिर कि एवरेज है? बिल्कुल सही नंबर्स बता रहे हैं आप। जैसे आपने आपने अभी कहा कि फूड में, हाँ, मैकडोनल्ड में अभी मैंने बताया कि क्राउड होगा वहाँ पर, हाँ, मॉर्निंग 11 बजे से लेके रात के 10 बजे तक क्राउड रहता है वहाँ पर। आप बाहर जाके नज़ीर में देख लीजिए, नज़ीर में भी क्राउड होगा। हाँ। और जो आप मेकअप वगैरह की बात कर रहे हैं, वो लोग हैं आने वाले जिन्हें या तो कोई फेस्टिवल या कोई उनका घर में कोई शो हो या कुछ मतलब
शादी वगैरह वो लोग हैं आने वाले। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है ना कि मतलब इतना क्रेज है ना इंडिया में मेकअप का कि उसमें लाइक मेकअप वाले बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, सैलून वाले बिजनेस आई थिंक वो लिटरली वो अच्छा कर रहे हैं। बट लाइक सो मतलब ये है कि जितने भी स्टोर्स में हद से हद जो नॉर्मल स्टोर था उसमें 4 से 5 कस्टमर थे, और जो मैक्स और बिग बाजार में भी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं मतलब एवरेज चल रहा है, और ट्रेंड्स करके एक स्टोर था उसमें भी देयर वाज मोर देन 15 to 16 यू नो कस्टमर, मतलब अच्छा था। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी रिलायंस डिजिटल में, वहाँ पे तो मतलब लाइक स्टाफ का जो मतलब क्राउड था 45 स्टाफ मतलब रिक्रूटेड थे। तो और आप मतलब तो आप यहीं तक यहीं पर इंटरव्यू खत्म करना चाहेंगे या फिर आप कुछ और बताना चाहेंगे XD बॉक्स थिएटर के बारे में? हमारा XD बॉक्स थिएटर के बारे में ये है कि आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सबसे कि आइए एक बार एंजॉयमेंट करिए हमारे XD बॉक्स में। देयर साइड इज वेरी एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट, हॉरर मूवी, एडवेंचर मूवी, वी हैव आल्सो हॉरर मूवीज लाइक एडवेंचरस मूवीज। और ये हम ही नहीं, और हम तो ये चाहते हैं कि मॉल में आइए, मॉल पूरा देखिए क्या क्या चीज है, और इसी उससे हमारे पास भी आइए, बस यही मैं कहना चाहूंगा। आपको लगता है जो सिचुएशन है वो पहले की तरह मतलब कोविड से पहले की तरह मतलब कब तक नॉर्मल हो जाएगी? मैम ये तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है। नहीं फिर भी मतलब आपको यू नॉट हैव एनी आइडिया, मतलब आप अंदाजा भी नहीं लगाना चाहते? एक बात बताइए मैम कि लॉकडाउन कह रही है सरकार, ठीक है, जब हमारे पास कोविड की वैक्सीन आ गई तो किस बात का लॉकडाउन लगेगा, ये पॉइंट है। बट लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, डर के आगे जीत है, कोई डर नहीं है। 90% यहाँ पर आपको दिखा दूंगा मैं, मार्क्स बहुत कम होंगे और हमने भी नहीं लगा रखा जैसे पहले था कि सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ नहीं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग थी, मास्क लगाना जरूरी था उस टाइम तक, ठीक था आज से 1 साल पहले बहुत ठीक था, लेकिन अब जो कह रहे हैं हम कि करो ये डिस्टेंसिंग, करो मास्क लगाओ, ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसी बेकार की चीज लगाते हैं, टेम्परेरी लगाते हैं। वेरी चीपलेस टॉपिक ऑफ कोविड ऑफ कोरोना, ओके, सो एनी एवरीवेयर इज रियली सो स्कैर्ड पीपल्स एवरीवेयर। नहीं यू कैन नॉट से दिस बिकॉज यू नो क्या हुआ रिसेंटली, सुनो तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि आई जस्ट लाइक जल्दी में होती हूँ, जल्दी पहुँचना होता है क्लास में, यहाँ वहाँ इंटर्नशिप में, तो क्या होता है कि ना आई जस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम आई फॉरगेट माई मास्क, एंड लाइक फिर मुझे मतलब ऑब्वियसली ना हम बजट करके चलते हैं कि इतना नहीं स्पेंड करना है, सो बाय करना होता है। तो वट आई वॉज ऑब्जर्विंग अराउंड मी ना कि लोग ना बहुत सारे लोग मेरी तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि अपना मास्क घर में भूल जाते हैं, तो मतलब लाइक इतना क्रेज है ना कि आई लाइक नॉट वट टू से नॉट क्रेज, ये गलत शब्द हो गया, मतलब ये ना कि इतना लोग वो कर देते हैं ना कि लाइक आई यू नो नॉर्मली ट्रैवल इन बस, तो पता है क्या होता है वहाँ पे, ये होता है ना कि यू विल हैव टू वियर मास्क, आपके पास चॉइस नहीं है। तो मतलब अभी भी मैंने बस में देखा है कि आप ना जा नहीं सकते बस में, हर एक पर्सन के पास मास्क होना ही होना चाहिए, एंड नो मैटर वेर एवर यू गो, आपको मतलब दिल्ली में तो मैं देख रही हूँ कि हर इंसान के ना चेहरे पे मास्क लगा ही लगा है। डजंट मैटर, मास्क इज डजंट मैटर, इट्स अ बुलशिट आई थिंक, but everyone people is but scared, people will in not the let heart. You people will not let you go here and there, everyone without mask. People everywhere is the scare in them heart, only scared, okay. Nothing doesn't matter, so mask. I also think ke cheeze sudharengi aur you know kuch mahino to zyada matlab zyada ho jayega, 6 mahine ya saal bhar mein cheeze sudhar jayengi, bilkul sudharni chahiye, hum to apni government se yahi kahenge, I hope so that hai. और ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सब लोगों का कारोबार चालू हो, हमारा भी हो, क्योंकि बहुत हमारे देश में गरीबी भी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, यही absolutely, थोड़ा सा चाहिए सरकार को भी कि इस पे कदम उठाए अच्छे अच्छे, कि जैसे पहले लॉकडाउन लगा था अभी भी ऐसे मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन लगाए, जब वैक्सीन आ गई है तो उसका सही तरीके से उपयोग हो, अब यह नहीं कि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन इज पुअर बट कांट अंडरस्टैंड द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया, सो यू नो यहाँ मैं अब इंटरव्यू के कहते हैं इंटरव्यू खत्म कर रही हूँ क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा जा रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस।